कभी ना कभी आपके दिमाग में भी ये प्रश्न जरूर ही आया होगा कि आखिर क्यों हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। अगर कोई बेईमानी करता है, किसी के साथ गलत व्यवहार करता है, किसी का बुरा करता है या फिर किसी के बारे में बुरा सोचता है, तब भी उसकी बरकत होती रहती है। वहीं सबके साथ अच्छा करने वाला और सबका भला करने वाला, हमेशा सतमार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के साथ ही बुरा क्यों होता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी के दिल में, हर किसी के दिमाग में जरूर ही आता है। और यही प्रश्न एक बार द्वापर युग में अर्जुन के मन में भी आया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि वासुदेव, हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई जिसमें उनको इस तरह के सभी सवालों के जवाब मिल गए, और वही कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। पहला व्यापारी, जो बहुत ही अच्छा इंसान था, हमेशा धर्म और नीति का पालन किया करता था, भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखता था और रोजाना मंदिर जाता था। वह सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वहीं जो दूसरा व्यक्ति था, वह पूरी तरह से दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो हमेशा ही अनीति और अधर्म से जुड़े कार्य करता था। वो रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुरा लेता था, झूठ बोलता था, नशा करता था। एक दिन की बात है, उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और तेज बारिश की वजह से गांव के, नगर के सभी लोग अपने अपने घरों में थे। उस दिन कोई भी मंदिर ना जा सका। यह देखकर वह दूसरा व्यक्ति, नीच व्यक्ति, मंदिर के सारे पैसे चुरा लेता है और पुजारी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकलता है। थोड़ी देर बाद जब वो व्यापारी, जो पहला व्यापारी था जो सच्चे सतमार्ग पर चलता है, वह भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर में जाता है, लेकिन उसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। वहां पर मंदिर में मौजूद सभी लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं, उसका अपमान करते हैं। जैसे तैसे वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो व्यापारी बुरी तरह से चोटिल हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि वह जो दुष्ट व्यक्ति था, वो नोटों से भरी पोटली उसके हाथ में थी। इतना सारा धन देखकर वह दुष्ट व्यक्ति खुशी से पागल हो रहा था और बोल रहा था कि आज तो मजा ही आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों की भरी पोटली। दुष्ट की बात सुनकर वह व्यापारी, जो हमेशा सतमार्ग पर चलता था, वह तो दंग ही रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें बाहर निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए, तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव अच्छे कार्य करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी, वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी घटना में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया।
इस कहानी को सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में देते हैं, इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में आने वाली परेशानियों से कभी घबराए नहीं और व्यक्ति को सदैव ही अच्छे सत्कर्म मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि उसका फल एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में व्यक्ति को जरूर प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी व्यक्ति को अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए और भगवान के प्रति अपनी सच्ची आस्था रखनी चाहिए। आशा है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी।